Dear students, welcome to video lecture number 3. Types of resonance. दो तरह के resonance effect होते हैं, positive resonance effect और negative resonance effect. Positive resonance effect occurs when the group releases electron to the other molecule by the process of delocalization. The groups are usually denoted by plus R or plus M. In this process, the molecular electron density increases, for example, OH, SH, OR and SR. ऐसे groups जो जब किसी molecule के साथ लग जाएं, उसके साथ bond बना लें, तो उस वक्त वो उसे electron देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उस particular molecule की electron density बढ़ जाती है, और उसकी reactivity बढ़ जाती है, वो molecule ज़्यादा reactive हो जाता है. इस तरह के groups को हम प्लस आर और प्लस एम से शो करते हैं. इन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है. इनकी एग्जांपल हैं ओएच, एसएच, ओआर और एसआर. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. आप उन्हें वहां से याद करेंगे और एग्जाम के लिहाज से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे. Negative resonance effect occurs when the group withdraws electron density from other molecules. By the process of delocalization, the groups are usually denoted by minus R or minus M. In this process, the molecular electron density is said to be decreases. For example, NO2, C double bond O, C double OH and C triple bond N. ऐसे groups जो जब किसी molecule के साथ लग जाएं, तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देते हैं. जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी वाकया हो जाएगी, या उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी. इस तरह के ग्रुप्स को हम माइनस आर या माइनस एम से शो करते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ द रेजोनेंस. रेजोनेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड अलोंग विद द एनर्जी स्टेट्स. और रेजोनेंस हमें यह बताती है कि कोई भी कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है. जितने किसी कंपाउंड के रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बने होंगे, उतना ही वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा. यहां एक मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस मौजूद है और इसके दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बने, जबकि राइट साइड पर मौजूद दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस मौजूद नहीं. इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये लेस स्टेबल होगा. और जो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ मॉलिक्यूल है जिसके दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बने हैं, ये मोर स्टेबल होगा. इसके साथ-साथ एक और एग्जांपल जिसमें लोन पेयर मौजूद है लेकिन यहां कोई भी पाई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, तो पाई बॉन्ड अवेलेबल ना होने की वजह से पूरे सिस्टम के अंदर रेजोनेंस मौजूद नहीं है, तो सबसे कम स्टेबल ये होगा. इसके बाद यहां लोन पेयर है और इसके साथ ये पाई बॉन्ड भी मौजूद है, तो ये लोन पेयर राइट साइड पर मूव करेगा और डीलोकलाइजेशन के फिनोमेना के थ्रू इस मॉलिक्यूल को स्टेबल बना देगा. इसमें इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एक बनेगा. इसके साथ-साथ अगर हम यहां देखें तो इस मॉलिक्यूल में जो लोन पेयर है वो पहले लेफ्ट साइड पर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर उसके बाद राइट साइड पर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा. इस तरह से इसके दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि इसे सबसे ज्यादा स्टेबल बना देंगे. ग्रेटर द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. तो यहां पहले नंबर पे मॉलिक्यूल जिसके अंदर कोई रेजोनेंस मौजूद नहीं, ये लेस स्टेबल है. दूसरे नंबर पर मौजूद मॉलिक्यूल जिसका एक रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये उससे ज्यादा स्टेबल है. तीसरे नंबर पर मौजूद मॉलिक्यूल जिसके दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, दो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी. इससे पहले कि हम पॉइंट नंबर 2 एप्लीकेशंस का पढ़ें, मैं यह चाहता हूं कि आपके एसिड बेस के कांसेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए. रिवाइज योर कांसेप्ट्स. आर्हेनियस एसिड बेस कांसेप्ट, लिवस एसिड बेस कांसेप्ट. आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें एसिड और बेस के बारे में बताया, और इसी तरह से लिवस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना नजरिया पेश किया एसिड और बेस के बारे में. आर्हेनियस ने कहा, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर.
एक एसिड ऐसी चीज है, ऐसी सब्सटेंस है, ऐसी शय है जो पानी में जाने के बाद H प्लस आयन देती है। के साथ साथ अ बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर। एक बेस वो शय है जो पानी में जाने के बाद OH नेगेटिव आयन्स देती है। लिवस ने अपना एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया। इसके मुताबिक हमें इसे याद करना है तो दो इंग्लिश के वर्ड और दो केमिस्ट्री के वर्ड याद कर लेंगे। जैसा कि केमिस्ट्री के वर्ड हैं एसिड और बेस, और इंग्लिश के वर्ड हैं एक्सेप्टर और डोनर। तो ए से एसिड और ए से एक्सेप्टर हम ये याद रख लेते हैं। इस तरह से हमें एक सेट याद हो जाएगा तो दूसरा सेट जो है वो अंडरस्टूड हम वही लिखते हैं। एन एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम एसिड कह देते हैं। अब लिवस बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लिवस बेस वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की सलाहियत रखती है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस कैन बी ईजिली अंडरस्टैंड थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट। अब आपको बात समझ आ रही होगी कि मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्यों रिवाइज करवाए। किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में हमें अगर पता करना है तो रेजोनेंस इफेक्ट की मदद ली जा सकती है। व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। फिनोल क्यों एथेनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा देख लेते हैं। अगर मैं एथेनॉल का डिसोसिएशन करवाऊँ तो इसके दौरान पानी में जाने के बाद एथेनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथोक्साइड आयन और हाइड्रोजन पर। अब इथोक्साइड आयन का बनना, इसके अंदर जो लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आया है, ये यहाँ ही मौजूद रहेगा, इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है। जबकि अगर मैं फिनोल में डिसोसिएशन रिएक्शन करवाऊँ तो इसमें जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो ये जो ऑक्सीजन पर मौजूद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये पूरे रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है और इसके डिफरेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसकी वजह से फिनोल ज़्यादा एसिडिटी शो करेगा। क्योंकि अगर वो हाइड्रोजन दे भी दे तो उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में जाकर उसके मॉलिक्यूल को स्टेबल बना सकता है, जबकि इसके बरक्स अगर एथेनॉल अपना हाइड्रोजन दे तो उसके पास ये चांस मौजूद नहीं कि वो रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबल कर सके। तो जितने किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। Why aniline is weaker base than aliphatic amine? क्यों aniline एक aliphatic amine की निस्बत एक weak base है? तो यहाँ पर एक aliphatic amine है, इसमें से पहला group जो है वो उसका alkyl group लगा हुआ है और उसके साथ में NH2 group, चूँकि amine group है। तो अब aliphatic amine क्यों ज़्यादा stable होते हैं, क्यों ये ज़्यादा strong basic strongly अपना बेसिक करेक्टर शो करते हैं देन एनिलीन की? क्योंकि एलिफेटिक अमाइन में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन है कि बेस एनी स्पीशी विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेस कहा जाता है। अब जब तक इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन के पास पड़ा हुआ है तब तक ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रह जाएगा। एलिफेटिक अमाइन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर पड़े रहते हैं और जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ आएगा तो ये उसके ऊपर रिएक्शन करवा देगा। इसी के साथ साथ ये एक और एलिफेटिक अमाइन है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन एनिलीन से। एनिलीन में अगर ये लोन पेयर जो है हम देखें तो ये NH2 जो है अपना लोन पेयर रिंग में डोनेट कर देता है। जैसे रिंग में डोनेट करता है तो इसकी डोनेशन की वजह से नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है और रिंग में R2 और पैरा पोजीशन पर जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो रिंग की रिएक्टिविटी तो बढ़ गई लेकिन बेसिसिटी कम हो गई। डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि एक्सरसाइज 2, 3, 4 में लिखे गए हैं वो पेज 48 और 49 है, उनको सॉल्व करना है। उसके साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर्स को सबमिट करना है। ये ईमेल एड्रेस है, इस पर आप मुझे अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा आपका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती नवाजे।